धारी चोला पहनकर ये भगवे के रूप में रावण बैठा है, जो कहते ठोक देंगे अब जनता को, अब पुलिस को मालूम किसको ठोकना है। 22 मुकदमा योगी जी पर है तो संत दिखाई दे रहे हैं मोदी जी को, और एक भी मुकदमा अखिलेश यादव जी पर नहीं है तो वो गुंडे दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ निकाले वो अनाज पावल जो फ्री मिला है? कुछ नहीं बता रहा हूँ, जिस तरह से हिटलर ने जनता का नोच नोच का जीना ही विकास समझ गए थे, ये बीजेपी सरकार में गरीब हैं। दौड़ेंगे यादव, पढ़ेंगे यादव तो कौन होगा। आज जी थे बलिया के स्पोर्ट कॉलेज दिए नारद राय जी ने, विश्वविद्यालय चंद्रशेखर जी के नाम से दिए, जनेश्वर मिश्रा सेठ दिए, ट्रामा सेंटर बनाए, लोहिया मार्केट बनाए। उतना काम हुआ था फिर भी जनता ने भाजपा को चुन दिया। देखिए जुमलों की सरकार है। नमस्ते, हाँ मैं अभिषेक और हमारे पीछे खड़ी बा अम्बेसडर, उसे देख करके आप सब सुनिश्चित हो जाएं कि बलिया में ही मतलब आज भी ये जमाना में जहां अम्बेसडर दिखेला ओकर मतलब भैल कि बलिया में हम खड़ा हैं। बा चुनावी माहौल और हर जगह ऐसे ही चाय की दुकान पर चुनावी चक्कर चलत बा, जे बैठत बा खाली राजनीति के बारे में बात करत बा। तो बलिया में का बा चुनावी माहौल, बलिया का जनता का सोचत बा, ये बार के विधायक चुनी, ये सब जानल जाई। और सबसे पहले आपके हम बता दी कि यहाँ से जौन स्थानीय विधायक हवा आनंद स्वरूप शुक्ला, जौन योगी के सरकार में मंत्री भी बाड़े, तो मंत्री जी कुछ काम हम करे लगे का बा कुल इन लोग जानल जाए का नाम बा? हमार तो नाम बाटे कृष्णा प्रधान। प्रधान जी कुछ काम हम होत बा जनपद में भाई? पहले तो तोरा के बहुत बहुत धन्यवाद देत बानी कि तू हमारा से सवाल कैल ह, और सबसे बड़ बात तोहरा के ही बात लगता कि विकास के मुद्दा छोड़ रहा बलिया में। एकरा पहले समाजवादी पार्टी के सरकार रहे, हमन के भोजपुरिया समाज के माटी के लाल हई जा, हमन के दियरांचल गढ़ा क्षेत्र कहीं जा, हरम भैया हमन भाई संतोष जी हैं, तमाम लोग हैं हमारे सोहा बला के कई बार प्रमुख, इनके पिताजी रहे हैं, बादल ये भी हैं। देखिए यहाँ के जो वर्तमान मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला जी, एक नौजवान थे और यहाँ के लोगों ने सोचा कि परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन अच्छा हुआ, मंत्री भी बन गए, विधायक के बाद मंत्री भी बने। लेकिन जिस उम्मीद से जनता ए जाके उनके विधायक बनौले रहे, मंत्री भी सूबे के योगी जी ने बनाया, अभी बरसात में ये सतीश चंद्र कॉलेज जाएंगे पूरे बलिया में पूरा जलमग्न, डीएम आवास डूब गया, पुलिस लाइन डूब गई, कॉलेज डूब गया और कोई जल निकासी नहीं हुआ मंत्री जी के घर में। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक शिविर बना था, आदरणीय मंत्री जी नारद राय जी थे, बलिया के स्पोर्ट कॉलेज दिए नारद राय जी ने, विश्वविद्यालय चंद्रशेखर जी के नाम से दिए, जनेश्वर मिश्रा सेठ दिए, ट्रामा सेंटर बनाए, लोहिया मार्केट बनाए। मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से कि आप देखिए जात धर्म पर हमको मत लड़ाइए, विकास की एक काम अगर ईंट रखा है भाजपा के लोगों ने तो हम राजनीति छोड़ देंगे बलिया में। एक मैं चार काम बताइए, विश्वविद्यालय बना कि नहीं बना है बलिया में, अखिलेश जी और आदरणीय नारद राय का काम है। इस बार क्या चुनावी मुद्दा होगा? उतना सुनिए पहले, उतना काम हुआ था फिर भी जनता ने भाजपा को चुन दिया। देखिए जुमलों की सरकार है, लोगों ने कहा एक ट्रेन चलाया था भाजपा के लोग कि सारा हिस्सा यादव खा गए, यादव विरोध माहौल बना गया। हम पूछते हैं कि चंद्रशेखर जी यादव नहीं ना है, उनके नाम पे विश्वविद्यालय बना, क्या उसमें यादव पढ़ने जाते हैं? हर वर्ग के लोग पढ़ने जाते, स्पोर्ट कॉलेज के यादव के लड़के जाते हैं उसमें, हर वर्ग के लोग जाते हैं। बताइए आज थाना कौन चला रहा है? कौन चला रहा है नहीं जानते हैं? यादव नहीं चला रहे हैं, जो योगी जी बैठे हुए मठ पर ये भगवाधारी चोला पहनकर ये भगवे के रूप में रावण बैठा है, जो कहते ठोक देंगे अब जनता को, अब पुलिस को मालूम किसको ठोकना है, ये ठोकर नीति प्रदेश में चल रही है। करें अपराधियों से मुक्त हो गया प्रदेश पूरा। अब अरे कैसे अपराधी से मुक्त, उनके उन्हीं का मंत्री का लड़का किसानों पर गाड़ी चढ़ा दे रहा है, कैसे अपराध मुक्त है? बगल में योगी जी मोदी जी के बगल में टेनी मंत्री जी बैठे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री है। अब बताइए कौन अपराधी है? 22 मुकदमा योगी जी पर है तो संत दिखाई दे रहे हैं मोदी जी को, और एक भी मुकदमा अखिलेश यादव जी पर नहीं है तो वो गुंडे दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा तो आपकी बात सुन लीजिए, आपको क्या लगता है, मतलब क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? ये विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई कृष्णा यादव ने जो कहा कि समाजवादी पार्टी में जो काम हुए इस पर कोई आक्षेप नहीं है, काम हुए,
कई मिल के पत्थर हुए। इन लोगों ने शिलान्यास किया, लेकिन उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनकी सरकार और उस समय अखिलेश यादव के अच्छे मुख्यमंत्री थे, इसमें भी स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके जो फॉलोअर हैं उनका जो क्रियाकलाप है, अतिशोक्ति का क्रियाकलाप, जिसे इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लाभ केवल यादव ही लेते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय का लाभ तो नहीं यादव ने लिया, लेकिन विश्वविद्यालय में जो सम्मिलित हुए वो सबसे अधिक यादव थे। मतलब नियुक्तियाँ जैसे SDM की नियुक्ति हुई, 85 SDM में 73 यादव हो गए। बता दें कृष्णा भाई क्यों हो गए? सब पुलिस की भर्ती हुई उसमें सबसे ज़्यादा 70% 65% यादव हो गए। लेखपाल की भर्ती हुई यादव हो गए, सचिव की भर्ती हुई यादव हो गए, और वो भी ये नहीं कि पूर्वांचल के यादव हो गए, पूर्वांचल के यादव छिटपुट हुए, सैफई मैनपुरी इटावा के यादव हो गए, एक दो तीन जिले विशेष के और जाति विशेष के लोग। जाइए आज किसी थाने पर जाके देखिए, 70% यादव सिपाही है, दरोगा है, कैसे हो गया? लेकिन आज भी करेंगे थाना तो बाबू साहब लोग संभाल रहे हैं, पंडित जी लोग। आज थाने पर किसी का कंट्रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही योगी जी ने मना कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी थाने पर नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है थाने किसी सुनिए, आप बताइए, आंकड़ा निकालिए, आपके पास आंकड़ा होगा। हमारे बड़े भाई हैं हरम यादव जी, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और लेखक भी अच्छे हैं। लेकिन देखिए, आप योगी जी की कार्यकाल में भर्ती हुई है पुलिस की, 41% यादव हुए हैं। दौड़ेंगे यादव, पढ़ेंगे यादव, तो कौन होगा? आज तो भाई अखिलेश जी की सरकार है नहीं। आइए जो 85% नियुक्ति SDM की बात करें, आपके पास देख ले कितने यादव उसमें SDM है। ये तो प्रकंडा उड़ाया गया, यादव आयोग लिख दिया गया। आप बताइए जो विश्वविद्यालय में और मेडिकल कॉलेज में आरक्षण समाप्त कर दिया, कौन किया है? अखिलेश जी ने लिखी है। ये सब प्रकंडा उड़ाया गया, लेकिन सच्चाई धरातल कुछ और है। ये केवल बदनाम किए। अब 108-102 जो एम्बुलेंस चलाई गई यादव के लिए चलाई नहीं गई थी, वो तो हर वर्ग, बिंद हो, मलाह हो, कोयरी हो, कुहार हो, यादव हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, सारे लोगों के लिए सुविधाएं थी। लेकिन अखिलेश जी ने जाति नाम और बताइए, अनंत स्वरूप विजय मिश्रा मंत्री थे कार्यकाल में, नारद राय मंत्री थे, हारने के बाद चंद्रशेखर जी के लड़के को राज्यसभा सांसद बनाया गया, सरदा प्रसाद शुक्ला मंत्री बनाया गया, माता प्रसाद विधानसभा अध्यक्ष के वो अध्यक्ष भी थे, वो बनाए गए। अब मनोज पांडे हैं, तो तमाम लोगों को समाज को समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया, लेकिन ये सम्मान उनको दिखाई नहीं दे रहा है। केवल यादव का प्रगंडा उड़ाकर अखिलेश जी के विकास कार्य को, उनकी नीतियों को ये सब थोपने काम करते। मैं पूछता हूँ कि 5 साल में ये छोड़ी काहे यादव इतना चर्चा में रहते हैं, वास्तव में प्रभावशाली हैं? यादव इसलिए चर्चा में रहते हैं कि गरीब गुरबा कमजोरों की लड़ाई लड़ते हैं, समानतावादियों को जवाब देने का काम करते हैं। हम लोग दबने वाला नहीं है, जहाँ अत्याचार सुचल होगा यादव खड़ा होगा। इसलिए इनको ये डर है कि यादव को दबा दिया जाएगा तो हम अपने समंत बच्चे विचार जो समानतावादी विचारधारा के लोग हैं वो राज करने लगेंगे। चलिए, यादव जी बहुत अच्छा वक्ता हैं और अच्छे नेता हैं, अच्छा बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है। इसी तरह यादव जी लोग जब बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है, तो चर्चाएं चलती हैं। नेता जी, आपको क्या लग रहा है, क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होना चाहिए या केवल जातिवाद? विकास जी और अपराध। इस सरकार में अपराध बंद है, कम है, 100% तो भगवान भी राम अवतार लिए तभी रावण थे। तो मोदी जैसे कितने मोदी आएंगे, लेकिन अपराध जीरो नहीं होगा। लेकिन पहले से आज में जमीन आसमान का अंतर है, और विकास भी हम लोग तो देखते हैं। उस समय हम लोग किरासन मिट्टी तेल देहातों में लोग खोजते थे, वो भी नहीं मिलता था। आज कोई किरासन तेल के लिए जाता ही नहीं। बिजली इतना पर्याप्त देहातों में भी आ रही है कि डिबरी जलाने का काम देहात में आज बंद है। नहीं तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे लाइट आती थी। हो सकता है अभी आप छत से नीचे आए कि अब गर्मी का दिन है, कमरे में चलकर सोए तब तक लाइट कट जाती थी। तो सब व्यवस्था ख़त्म है। पूर्वांचल में सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम लोग जुड़ गए 4 घंटा में लखनऊ। हालांकि किसानों को बहुत लखनऊ नहीं जाना है, लेकिन जो दिखेगा उसको तो हम लोग कहेंगे। तो विकास हुआ है, ग्रामीण स्तर पर हुआ है, गुंडई बहुत हद तक बंद है। जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम जन्मभूमि था वो बन रहा है। हम लोग के यहाँ, हम लोग बहुत नज़दीक के हैं विश्वनाथ जी,
जहाँ पर पहले भी जाते थे, हजारों बार हम लोग बनारस ही रहकर पढ़े हैं, लगभग हर सोमवार को जाते थे। अब कैसे जाते थे हम लोग जानते थे, और कैसे दर्शन होता था, और आज भी हम लोग जब से वो बन रहा है तब से भी लगभग 50 बार हम गए हैं। आज क्या है तो हम लोगों का आस्था का भी काम हुआ है, किसी काम को शुरुआत करने के लिए जिसको हम लोग पूछते हैं। तो मतलब आप मानते हैं योगी मोदी तो काम कर रहे हैं, स्थानीय जो यहाँ के बलिया ने दो मंत्री दिया है, दो मंत्री जी ने कुछ कर रहे हैं, जो मंत्री जी ने बताइए बलिया के लिए। जब बलिया में काम हुआ है हम लोगों को लाइट आती है तो मंत्री जी दे या योगी मोदी दे। जैसे अभी वो नेताजी थे गिना दिए बलिया के लिए इतना काम हुआ, विश्वविद्यालय बना, ये बना, ये बना, पांच काम गिना दिए चार। कोई ऐसे मतलब भाजपा सरकार कोई काम बलिया के लिए स्पेशल? अब हम लोग तो फेफाना विधानसभा के हैं, पूरे बलिया जिले की बात हम कर रहे हैं। हाँ, बहुत हुआ है विधानसभा की विशेष समझ लीजिए। विधानसभा में अगर हमारे गांव को ही ले लीजिए तो कम से कम 30-35 करोड़ का काम हुआ है। हमारे गांव से जो छू कर निकलती है सड़कें उसको खाली ले लेंगे तो कम से कम 35-40 करोड़ रुपए का काम सिर्फ हम लोगों के ग्राम सभा के इर्द गिर्द हुआ है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए रोड काम हुआ है। हाँ, काम हुआ आपको भी लगता है? लेकिन मैं एक छोटे से गांव का प्रतिनिधि हूँ, मेरे गांव में 10 करोड़ रुपए का काम हुआ है। पावर हाउस बना है, नदी बांधी गई है, सड़क मिला है जो लिंक सड़क है, NM सेंटर बना है। और इससे पहले लगातार जो 15-20 साल थे पूरे फेफना विधानसभा में हम लोग घूमते हैं, कहीं उनका एक बोर्ड दिखाई देता था, पूछ लीजिए कृष्णा भैया हैं साथ, एक बोर्ड उनके काम का एक बोर्ड कहीं नहीं दिखाई, पता नहीं विधायक निधि कहाँ चली जाती थी, सरकार की निधियाँ कहाँ होती थी। अब जाइए फेफना विधानसभा में एक भी काम ऐसा नहीं होगा जहाँ 2-4 करोड़ का बोर्ड नहीं लगा होगा, 2-4 करोड़ के काम का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हुआ होगा। मतलब भाजपा के विधायक लोग काम कर रहे हैं? काम हुआ है, कर रहे हैं। मतलब क्या चाह रहे हैं, बस सरकार बने भाजपा की? सरकार तो भाजपा की बन नहीं ही है, तो बनेगी। हमारा विधायक भी जो मंत्री भी है पुनः रिपीट करेगा, इसकी 100% गारंटी। देखना चाहते हैं ना तो थोड़ा यहाँ चलिए, सागर पाली है और वहाँ से बैरिया 12 किलोमीटर का रोड था, हम उसी रोड पर रहने वाले हैं देरा के, वहाँ इतना गड्ढा में हम लोग आते थे जाते थे। आप माइंग लेकर के अपना कैमरा चलिए आपको विकास दिखाई दे देगा, चौड़ीकरण रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, काम हो रहा है। भूपेंद्र तिवारी का काम है मंत्री को, मंत्री का ना काम है, आप कैसे कह रहे हैं कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं हम, ये बता रहे हैं मैं आपके बगल एक भैया देखिए, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने, मैं भी फेफना विधानसभा का रहने वाला, समाजवादी पार्टी ने काम नहीं, अरे काम नहीं हुआ है। अब दीरांचल को जाएंगे थमन पूरा पुल बनी हुई है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में वो पुल बनी। इसके बाद चितबड़गा में सब स्टेशन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्षमता वृद्धि बढ़ाया, अभी चितबड़गा में जाएंगे मेन ही रोड पर है बिजली का सब स्टेशन जो आज बिजली मिल रही है। अभी दुमदुमा में जाएंगे विकलांग विद्यालय बना है, अभी निर्भया जो वहाँ पर बलात्कार हो गए उन्हीं के गाँव में हॉस्पिटल बना है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया। काम तो हुआ ही है।